मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, कुछ कड़ी पत्ते और 5 चम्मच शक्कर, और कुछ हरी मिर्चियों को ऐसे बीच से काट के रखा है, और एक बड़ा नींबू उसे भी काट लिया है, और 1 कप बेसन। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप बेसन। आज हम बनाने जा रहे हैं खमन ढोकला, उसके लिए मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खमन ढोकला जो कि सिर्फ बेसन से बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, मैं आज वो बना रही हूँ। देखिए, हल्दी और नमक को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1 नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ के इसमें मिला देती हूँ ताकि इसमें खमीर उठ जाए। और याद रहे, हम नींबू डालने के बाद जब उसका बैटर बनाए तो इस बैटर को 1 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे ताकि इसमें खमीर उठ सके। कुकर आज डाल लिया है, अब इसे मिक्स कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर तैयार करेंगे और अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि बेसन में गुठली या फिर लम्स ना रहे और हमारा ढोकला सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। इसीलिए एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं अच्छी तरह से मिक्स करने में, और एक भी लम्स नहीं आने देना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी इसे 1 घंटे के लिए रख देती हूँ। देखिए, 1 घंटा हो चुका है, हमारा बैटर तैयार है। अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और याद रहे, हल्दी हम कम डालेंगे क्योंकि जब हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालते हैं तो इसका रिएक्ट हमारे खमन ढोकले के अंदर होता है, जिसका कलर चेंज हो सकता है हल्दी डालने पर, इसलिए हल्दी थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं ली हूँ ये बर्तन, इसे हम तेल से ग्रीस कर देंगे और तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे ताकि बैटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और चिपके ना, अच्छे से बने हमारा खमन ढोकला। देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं बैटर डाल दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बैटर तैयार है। अब हम इसे स्टैंड में डाल लेते हैं, पूरे बैटर को जितना आप बनाए हैं, और इसे टैप कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से सभी जगह सेट हो जाए। अब मैंने कढ़ाई में पानी लिया, उसे खौला लिया है और स्टैंड रखा है। अब खमन ढोकले को डाल के कम से कम 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम तक पकने देंगे। देखिए, खमन ढोकला तैयार है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए निकाल देती हूँ। तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। खमन ढोकला को एक साइड रख लेते हैं, ये हल्का गर्म है अभी। फिर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3 चम्मच तेल। 3 चम्मच तेल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई और कुछ हरी मिर्चियाँ कटी हुई। इसे ढक देते हैं ताकि मिर्ची के दाने उछल रहे हैं। अब मैं इसमें डाली हूँ कुछ कड़ी पत्ते और 1 कप पानी, क्योंकि हम खमन ढोकले में थोड़ी सी चाशनी भी तो डालेंगे। और मैंने लिया है 5 चम्मच शक्कर, इसे भी डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने के लिए होते तक पकाएंगे। और इसमें डाल देते हैं 1/2 नींबू ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसे हाई फ्लेम में पकने देंगे। देखिए, चाशनी बनकर तैयार है। खौलाएंगे ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और हमारा ढोकला भी ठंडा हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम परफेक्ट बना है खमन ढोकला। अब इसे कट कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कम से कम 1/2 घंटे में खमन ढोकला तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप घर में ज़रूर बना सकते हैं इसे। अब मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं ऐसे, आप जैसे भी साइज़ में काट सकते हैं, छोटा बड़ा आपके ऊपर है। मैंने इसके चौकोन चौकोन पीस किए हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जो मैंने चाशनी तैयार करके रखी है। आप एक बार डाल दीजिए और बाकी बची हुई चाशनी को 1/2 घंटे के बाद डालिए, तो खमन ढोकला सब चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बेसन है इसलिए ये ज़्यादा चाशनी पीता है। देखिए, पूरी चाशनी डाल दी। 1/2 घंटे के बाद हम फिर इसमें चाशनी डाल देते हैं। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल देती हूँ। और देखिए, खमन ढोकला बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी खमन ढोकला की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।